अरे जल गया यार, उड़ा दिया भाई। सामान ऑर्डर कर चुके हैं और कुछ तो गाइस वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग वीडियो। तो भाई जा रहे हैं अभी अनपुरा अपन, भाई आरएस लेके, इसी नंगी आरएस को लेके जा रहे हैं भाई, क्योंकि इसका कौन सा रोड सीट वाला, हाँ लो जेब में डालो, समझो। अरे जल गया यार, उड़ा दिया भाई। तो भाई यार अपन अनपुरा, ये बंदा मिल गया सब्सक्राइबर, इधर देख भाई जा रहे अपन ने, जिसका फेयरिंग आवरिंग ऑर्डर करने, भाई इसमें कुछ भी नहीं है यार, सिर्फ चल रही है बस, इसका भी गारंटी नहीं है कि कब तक चलेगी, क्योंकि इसका एक एक सेंसर में प्रॉब्लम है, इसलिए जा रहे हैं इसका दिखाते हैं पूरा गाड़ी उड़ी। ठीक है अभी हम संदीप जा रहे हैं और दो भाई जा रही है और अपना शिवम सत्यम, ये दोनों भाई सत्यम मेरे साथ है, शिवम संदीप के साथ है। चलते हैं अपन लोग भाई एजेंसी में ऑर्डर लगवाते हैं यार, बहुत दिन हो गया, महीना डेढ़ महीना हो गया इधर उधर आगे पाछे हो जा रहा, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा अर्निंग रहता नहीं है किसी के पास कि एक पल में भाई इतना 50,000 का काम करवा सके, तो 4,000 का काम होता तो समझ जाता है भाई, लेकिन इतना लंबा काम खींचना मतलब समझ रहे हो। चलते हैं अपन, मिलते हैं फिर, थोड़ा बहुत सीन दिखाते रास्ते का आपको। भाई ट्रैफिक है आज यार, रिकॉर्ड टू ट्रैफिक है। ट्रैफिक तो अलग ही लेवल का है गाइस, शक्ति नगर पहुंच चुके हैं। और शक्ति नगर कौन सा जगह मेरे को याद नहीं है, भूल गया हूँ। पहुंच चुके हैं पहला टर्नल जो पड़ता अपने को रेलवे क्रॉसिंग वाला, ये वो है, इसके बाद पड़ने वाला है पूरा रूट सही है इधर का, बस ये रोड बस बहुत ज़्यादा डैमेज है यहाँ का, प्रॉब्लम थोड़ा सा उसमें है, अगर कोई नया बंदा होगा तो बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम पड़ने वाली है। और तो सबसे बड़ी बात की यहाँ की मेरी टैंक का ये नट निकल गया है, पता नहीं कैसे, अभी एक नट ये है और एक नट ये दो नट के कारण तो फंसा है अपना भाई साहब, देख रहे हो कितना ही धूल है सामने, कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है अपने को, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अपन इस रूट में ले लेते हैं, ये वाला रूट थोड़ा सही है भाई, इस रूट में देख रहे हो क्या ही रोड है, ये यूपी की रोड है, मां का इतना गंदा तो सिंगरौली की रोड नहीं है, इतना ज़्यादा खराब रूट अपने सिंगरौली का नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा यहाँ यूपी की रोड खराब है, पूरे सिंगरौली जिले में घूमोगे ना तो आपको ऐसा रूट कहीं नहीं मिलेगा जो रूट यहाँ यूपी की है। भाई साहब ये धूल गलत लेवल की है, ओहो क्या धूल है, माँ बहुत गंदा, बहुत गंदा भाई, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें, इसके आगे थोड़ा सा रोड डैमेज, इसका फिर सही मिलेगी रूट भाई। हाँ पावर 100 को डाला है, मैं तो 24 माइक्स से आवाज आ रही है।
नहीं भाई साहब, खुद हम देखा था खुद हम गरीबी मर थी। हाँ 600 डाला था, डाला ना भाई, माले नहीं देती है, देख रहे 50 का डाल देता लाड़ भी आएगा हमारे गाने में घुसे पड़े तुम लोग। ल 550 के डाला, 1.5-2 हो गए, 550 के में डाल दे। देखते रहे वो से 150 में दूध सेल आ गया। सोच बड़े उड़ा देवो करेगा वो लोग। गाइस फिलहाल फुला हो चुका अपना। ओह क्या बताए कितना बुरा धूल। गाइस सामने कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे को, कुछ भी है या नहीं, यहाँ पूरा सामने धुआं धुआं है भाई, कुछ नहीं दिख रहा आगे आप लोग देखोगे तो क्या है। यहाँ पे विदाउट एयर फिल्टर गाड़ी चले, इंजन गलत सी जगह मार दो नहीं जैसे, देख लो कितना बड़ा बड़ा दैट साला। अचानक से जो गया तो छितरा हुआ घर तो। निकाल लेने तो फस को चुदा जाएगी भैया। भाई ट्रक में बंदा हाँ हेलो कर रहा। एमपी देसी राइडर, एमपी देसी राइडर इस अगर तिरछा मिर्छा घुसा देता है इसलिए सब जाम हो जाता है। ये सब ज्यादा ऐसा देखो, ये ट्रक सीधा लगा, ये सब तिरछा घुसाया है इसके कारण जाम हो जा रहा। एक लाइन में चलो अपना दोनों साथ देखो, ये ट्रक आगे आगे जा रहा, इसको जल्दी है शायद नो एंट्री होगी इसलिए सब लाइन में लगे, लेकिन इनको जल्दी जाना है, ये आगे जाएगा दूसरे को फिर तिरछा डाल देंगे सब। तो भाई ट्रैफिक जाम इसी कारण होता है। यहाँ पे देखो कितना ही घटना है, बच के जाना पड़ेगा। देखो ये गढ़ा ये गढ़ा ये गढ़ा, जाए तो जाए कहाँ, हम जो तो खींच लो। देखो ये देखो पूरा जूता तेरा ही कर दिया। देखो ये देखो क्या मस्त जगह है भाई, ये देखो रोड में गिट्टी भर रहे हैं, डामर नहीं है इनके पास, इनके पास डामर नहीं है, गिट्टी भर रहे हैं। 4-10 गाड़ी पंचर करवा देंगे साले, ऐसा ये रूट सही कर रहे हैं, ऐसा रूट सही बोल रही है। कितने बड़े बड़े गड्ढे, गलती से कोई पड़ा तो पड़ा का पड़ा रह जाएगा। इस होते हैं बड़े सियासी, ये है यूपी वासी जिनका है न कोई दासी न कोई कोई सियासी। इतना तो अगर फूल क्रॉस किया तो कितना बड़ा दैट ये रोड है। इस साइड देखो तो पानी कैसा भरा पड़ा है, वाह लोग रोड चेंज कर दे रहे हैं इसी चक्कर में। वही देखो बार बार 300 के लोन बाइक चल रहे हैं, लेकर भाई 100 cc बाइक। ये देखो मंगी मरा चीज है, ये क्या है ये क्या है, ये क्या है गाइस, ये क्या है, देख रहे हो पूरा रूट गर्दन तेरा ही करके रखा है इस तरह। तो तेरा ही करके रखा ही लोग
हाँ मस्त लेवल फूड बना के रखा है, तो नेक्स्ट लेवल की है। कौन वो आगे जा रहा है? आज जो है ओम बजाज सर्विस, ये है सर्विस सेंटर और एजेंसी ऐसा ही। सो गाइस अपना सामान ऑर्डर कर चुके हैं और कुछ पेमेंट कर दिए हैं एडवांस, और जो भी होगा अभी सब सामान आएगा 15 दिन बाद, तो अपना ही कर लिया जाएगा। बाकी बाइक खड़ी है बाहर और संदीप अपने आर बाइक से हम और सत्यम चलेंगे भाई। बहुत ही ज़्यादा 4:30 बज गया देख रहे हो, ओम बजाज सर्विस सेंटर। ये है कि सामान यहाँ से जल्दी फास्ट आ जाता है भाई। लोग भाई चलते हैं हम लोग घर द्वार भाई, ऑलमोस्ट 5:30 बज चुका है, 2 बजे समथिंग हम लोग लिखने, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा आज, जल्दी हो गया हम लोग का काम। चलते हैं, इसी बाइक को ऐसे लेके जाना पड़ा, नंबर प्लेट कुछ भी नहीं है, देखो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। चलते हैं दिखाते हैं जो भी रास्ते का सीन होता है, बाकी जो भी रास्ता दिखाते हैं हम लोग को, मिलते हैं बाइक पे। सो भाई हम लोग सिंगरौली होकर जा रहे हैं, क्योंकि भाई वो वाले रास्ते इतना ज़्यादा दस्त है खाना भाई, क्या ही बताते हैं। इसलिए अपन जा रहे हैं सिंगरौली वाले रूट में, सिंगरौली लिख देंगे अपन, सिंगरौली से लिख देंगे बैठन, तो चलते हैं भाई, देखते हैं आज के इधर का भी कैसा रूट है भाई। पहली बार इधर से जा रहा हूँ मैं, इधर मैं आया भी नहीं, लेकिन संदीप शायद आया है तो बोला रूट इधर का सही है। देखो क्या रूट रहता है यहाँ का, ये तो हम लोग सिंगरौली साइड पहुँचे गाइस। सिंगरौली का बस स्टैंड। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? हाईवे वाला रोड सामने, इधर से लिखना जाएगा तो यहाँ पर रोड सही रहता है, देखते हैं खींचम खींच चलता है क्या चलते हैं। यहाँ उतना भी रोड यहाँ पे सही नहीं है, थोड़ा सा रोड वही मिलता सही सलामत, वही 2-3 किलोमीटर तक गंदा ही रोड मिलेगा। बस ये है कि पहले की जैसा प्रदूषण धूल नहीं उड़ता है, क्योंकि बरसात का मौसम है, गर्मी का मौसम रहता है तो भाई सिर्फ जैसे अभी अनपुरा वाला सीन था अपने को कैसे, हम तो रास्ते में धुआं धुआं रोड नहीं दिखता वैसा इधर गया रहता था। भैया खींचम खींच गाड़ी भी आती है, इस उसमें गाड़ी भी सामने से आती है, सब वाले के जब भी सामने रही गाड़ी को ग्रेड रूट दिया गया है, कहीं से उसमें लोग ना जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा ही है। तो गाइस मैं मरवाई डैम पहुंच चुके हैं भाई, ये सामने इधर मरवाई डैम करने जा रहा हूँ वाले, घर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, शायद 10 किलोमीटर पड़ता है अपने घर, 10 ही पड़ता है गाइस। यहाँ पे लीन एक नंबर का है, बस यही है कि यहाँ ट्रक कब आती है जाती है कोई गारंटी नहीं है, और रेत सबसे बड़ी दिक्कत होती है रेत की, समझ रहे हो। बाकी एक आध दिन आएंगे इधर का दिखाएंगे मरवाई डैम का, ब्लॉग व्लॉग शूट करेंगे भाई, इधर बोटिंग वोटिंग भी चलते, बोटिंग वोटिंग भी करेंगे कल दिन का। अभी तो थोड़ा टाइम नहीं है अपने पास, और थोड़ा अभी गाड़ी के काम भी कराते हैं, तो गाड़ी काम हो चुका है, वहाँ फंस जाते हैं हर बार। नाका लगा है कुछ सीन हुआ होगा इन लोग का, देखो सारा देखना ड्यूक वाला एग्जॉस्ट का हेलमेट रखा है। सो गाइस घर आ चुके हैं और ब्लॉग को करते हैं, और किसी ने ब्लॉग बनाया तो अभी सब मिलता है, तो वी राइड एंड वी सब
भाई कभी ऐसे ही है, अभी देखते हैं 15 दिन बाद अपनी पार्ट आएगा, पार्ट के लिए फिर 15 दिन बाद जाना पड़ेगा अपने कानपुरा समथिंग, 15 दिन बाद फिर इंस्टॉल इंस्टॉल होगा, फिर अगले महीने तक मैं पूरी गाड़ी, 1 महीने में अपनी गाड़ी पूरी रिकवर कर देंगे अपन, फिर कुछ कराएंगे हट के मॉडिफिकेशन। आप लोग कमेंट कर देना क्या मॉडिफिकेशन करना है, तब तक